विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि हम ताजिया का स्वागत करते हैं, लेकिन रामनवमी जुलूस पर पत्थर क्यों बरसा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि रामनवमी से पहले हर थाने में शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें एसपी डीएसपी सभी मौजूद थे। बावजूद इसके रामनवमी के जुलूस पर पत्थर क्यों बरसा, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री विजय कुमार सिन्हा इस वीडियो में। आज सदन के अंदर हमने कार्य स्थगन भी दिया कि तजिया का स्वागत हम करते हैं और रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों। हर थाने के अंदर शांति समिति की बैठक हुई और शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी डीएसपी एसपी मिल बैठ करके सारे तय करते हैं, रूट सारी व्यवस्था बनाते हैं, फिर पत्थर क्यों बरसा। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। आज आपके सासाराम के अंदर, बिहार शरीफ के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर, भागलपुर के अंदर, गया के अंदर क्यों ये बार बार घटनाएं होती है, हर साल ये घटना होती है। सरकार क्यों नहीं पहले से अर्धसैनिक बल को लगाया, क्यों इस तरह के मामला को आग लगने तक उसको खुला छूट दे देता है। तुष्टिकरण और वोट की राजनीति में मुसलमानों को, एक पक्ष के लोगों को ये अगर जो मेहमानबाजी करा के संरक्षित करेगा तो अब यह भारत 21वीं सदी का है, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं बर्दाश्त करेगा। सबको समान अधिकार है और समान रूप से सबका सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। आज जिसके घर में घटना घटित होता है बिहार शरीफ में, जिसके लोग मारे जाते हैं।